స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్. దేశంలోకి 5G సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి. ఇవాళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 5G సేవల్ని ప్రారంభించారు. రానున్న కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఈ సేవలు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదానంలో జరిగిన ఎగ్జిబిషన్ కార్యాలయంలో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. 6వ ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్ ను కూడా ప్రధాని ప్రారంభించారు. 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा. भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी. 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है. 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है. आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा. इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है. मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है, डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है.